हेलो एवरीवन, मैं हूँ शबाना। शबाना इजी किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे गोला कबाब, जो बहुत ही डिलीशियस है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं इस रेसिपी को। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें चाहिए आधा किलो कीमा। कीमा कोई सा भी ले सकते हैं, चिकन कीमा, बीफ कीमा, यहाँ पर मैंने मटन कीमा लिया है। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून नमक, और नमक हसबे जायका रख सकते हैं, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। प्याज फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप्ड कर लेंगे, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक ब्रेड को हम भिगो लेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेंगे, और एक टेबल स्पून हमें देसी घी चाहिए। इन सबको हम कीमे में मिला लेंगे। कीमा हमने पहले से ही बारीक करके रखा हुआ है। अब हम इन सब चीजों को इसमें मिला लेंगे, मसालों को भी और अदरक लहसुन और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट है हम सबको एक जगह मिला लेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कीमा ये थोड़ा पतला हो गया है तो इसमें आप दो चम्मच मैदा मिला सकते हैं, या एक या दो चम्मच बेसन को भूनकर तवे पर भूनकर वो भी मिला सकते हैं। पहले हम अपने हाथों के ऊपर तेल लगा लेंगे और हाथों को ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद हम गोला कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इनको गोल गोल बना लेंगे, और उसके बाद एक पेंसिल की मदद से, साफ सुथरी पेंसिल लेंगे और एक पेंसिल की मदद से हम इसके अंदर गोला कबाब बना। अब हम धीरे धीरे इसको गोले को, और उससे हम थोड़ा सा इसको आराम आराम से चिपकाएंगे पेंसिल के ऊपर, और एक गोला कबाब हमारा बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे गोला कबाब बना लेंगे, और इस तरह से हमने सारे अपने गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने किस तरह से फ्राई करना है, इसका तरीका ये है। एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर एक ब्रश की मदद से चारों तरफ तेल लगा देंगे और अपने गोला कबाबों को इसके ऊपर फैला देंगे। हमें इन्हें अब शैलो फ्राई करना है। पहले हम इनको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फ्राई करेंगे, और उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे, और हम 2 मिनट के लिए इनको ढक्कन से ढक देंगे। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इन सबको पलट देंगे। हमने इनको पलट दिया है, और अब हम इनको दोबारा से ढक्कन से इसको कवर कर देंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे।
अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और जो इसका पानी है खोल खोल कर इसको खुश्क कर लेंगे। हाई फ्लेम कर लेंगे अब एक या दो मिनट के लिए। हमारे गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनमें धुआं लगाएंगे। अब हम एक डीप फ्राई पैन लेंगे और सारे अपने गोला कबाब को हम उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और एक कटोरी में हम कोयले जलाकर और उसके अंदर घी डालकर या तेल डालकर हम उसका धुआं लगाएंगे। हमने कोयले अलग से गर्म कर लिए और एक कटोरी रख दी है उसके अंदर, कोयलों को हमने गर्म कर लिया और अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे और उसको ढक्कन से ढक देंगे। हमारे गोला कबाब को धुआं लग रहा है। और हमारे गोला कबाबों को धुआं लग चुका है और ये तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो शुक्रिया, और हम आगे भी इंशाल्लाह मुश्किल खानों को आसान तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।